आपने जो रुपए बैंक पे भरे थे वो सब डूब गए। ये सारी गलती मेरी है। नहीं, ये सब मेरी गलती है। 1 करोड़ के लालच में मैं आ गई थी। मैंने कहा था आपको गहने बेचने के लिए। आप उनके धंधे में रोज का हिसाब किताब होता है। लोन लेके 24 घंटा हो गया है ना? हाँ। तो 24 घंटा होने के बाद 10% पकड़ के 10,000 रुपया निकाल चल। एक दिन का इंटरेस्ट का 10,000 रुपया? ये क्या है? ये एग्रीमेंट तुमने साइन किया है ना? पढ़ ले। अरे ये बात मुझे बताई नहीं थी, ये सरासर चीटिंग है। अरे चीटिंग नहीं रे, ये बिजनेस है। अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो गहने आप अपने पास ही रख लीजिए। हाँ ठीक है, कल तक की मोहलत देता हूँ। कल तक आप उनको अपना इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर तेरा सोना मेरा सोना हो जाएगा। अरे बहू। जी जी बापू जी। अरे बहू, मेरा चश्मा देखा है कहीं? अरे बापू जी, आपकी जेब में ही तो है। अरे हाँ चाचा जी, चाचा जी। अरे अब्दुल, क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों? आपसे एक जरूरी बात करनी है। हा? अब्दुल भाई, आप बैठे जरा पानी पीजिए, फिर बताइए। नहीं जाइए भाभी, थैंक यू। चाचा जी, भिड़े भाई एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कैसी मुसीबत? अभी अभी एक गुंडा उनके घर पे आया और उनको धमकी देके गया। भिड़े भाई को धमकी मिली है? हाँ। अरे अब्दुल, कौन गुंडा क्या, पूरी बात कर। इतनी बड़ी मुसीबत में है और हमें पता तक नहीं। और हाँ, कल सवेरे वापस घर पे आएगा, ऐसी धमकी देके गया है। मैं अभी के अभी जेठा को फोन करके उसे घर पे बुलाता हूँ। अब्दुल तू एक काम कर, तब तक तू वो हाथी, पोपट, अय्यर, मेहता सबको बोल के मैंने अभी के अभी यहाँ बुलाया। लेकिन मेहता साहब तो 2 दिन के लिए बाहर गाँव गए हुए। हाँ हाँ, लेकिन बाकी सब तो है ना, वो हाथी, घोड़ा सब। पोपट। हाँ हाँ, पोपट अय्यर, उनको बोल मैंने अभी के अभी घर पे बुलाया है। ठीक है चाचा जी, मैं भी जाता हूँ। घर से फोन? बोल बोल मेरी कोयल। ए बबू चक, मैं बोल रहा हूँ। बापू जी, बोले बोले मेरा बापू जी। बोलिए बापू जी। सुन, तू अभी के अभी घर पे आ जा। हाँ। क्यों, क्या हुआ, आपकी तबीयत? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो टप्पू ने कोई शरारत की? अरे तू दुकान से जल्दी घर पे आने भाई। जी जी बापू जी, जी। और सुन, वो सोडी को भी फोन करके बोल दे कि हमारे घर पे आ जाए। सोडी को? सोडी को क्यों बापूजी? बोला उतना करना। जी जी बापूजी, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। अरे बाप रे सोडी। हेलो सोडी। नटू काका, जल्दी अंदर गोडाउन में आइए। फाड़ी आ रही है। और जेड़ा ब्रा दसो। हाँ सोडी, बापूजी का फोन आया था, हमको अर्जेंट घर पे बुलाया। सोसाइटी में लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। वो जेठा ब्रा सब ठीक तो है? पता नहीं, कुछ बताया नहीं, खाली इतना बोला तो दुकान से निकल कर जल्दी घर पे आ और सोडी को भी अपने घर पे बुला ले। मैं भी दुकान से निकल के घर पे पहुंचता हूँ, तू भी घर से निकल के मेरे घर पे पहुंच। हाँ जेठा ब्रा, मैं बस अभी पहुंचा। ओके। बोलिए सेठ जी। नटू काका, बापू जी का भी फोन आया था, मुझे अर्जेंट घर पे बुलाया, लगता है सोसाइटी में बड़ी गड़बड़ हुई है। तो जल्दी चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सेठ जी, दुकान की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अभी बाघा को बुला लेता हूँ। बाघा की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है सेठ जी, जरूरत है। छोटी मोटी बात होती ना तो बापूजी कभी फोन नहीं करते। लगता है सोसाइटी में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। नटू काका। क्या नटू काका सेठ जी, ऐसे मौके पे घर के काम नहीं लगेंगे तो और कौन काम लगेगा? ठीक है, मैं काम करता हूँ, अभी मैं अकेला जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ मामला क्या है। अगर मेरे अकेले से नहीं संभला तो आपको उधर बुला लेता हूँ। ओके, 1 मिनट। किसका फोन लगा रहे? बाघा को बोल देता हूँ स्टैंड बाय रहे। अरे भाई बोला ना, बाघा को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है सेठ जी, आपका वहाँ से फोन आया, मैं वहाँ आया तो दुकान पे कौन रहेगा?
मैं आप वहाँ आएंगे पूरा मामला संभाल लेंगे तो फिर मेरी वहाँ क्या जरूरत, मैं दुकान पे आ जाऊंगा। स्मार्ट चाचा जी, आपने हम सब लोगों को इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? हाँ हाँ चाचा जी, ऐसी क्या सीरियस बात हो गई? अब्दुल ने मुझे नाश्ता भी नहीं करने दिया, चलो चलो बोल के खींच के लेके आया। आती भाई ये खाना खींचना कैंसिल करो। चाचा जी बात क्या है? ओ जेठा और सोडी को आने दो, बताता हूँ। पापू जी कहाँ? पापू जी क्या क्या हुआ? हाँ चाचा जी दसो, क्या हो गया? बताता हूँ, लगता है भिड़े कोई बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया है। क्या आर्थिक संकट में फंस गया भिड़े? ये कौन सी जगह? सॉरी, आर्कटिक सर्कल दुनिया के ऊपर एक बर्फ वाला एरिया है। पिड़ू उधर किधर पहुंच गया? क्या बोल रहे हो यार भाई? भाई आर्कटिक सर्कल नहीं, आर्थिक संकट का मतलब है फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, लेकिन बापूजी क्या क्या हुआ क्या? अभी अभी अब्दुल ने बताया कि थोड़ी देर पहले कोई गुंडे मवाली जैसा आदमी भिड़े के घर आया था पैसों की वसूली करने के लिए, और उसने धमकी दी है कि वो कल फिर आएगा। वो हमारे पीड़ू को किसी गुंडे मवाली ने धमकी दी? अब्दुल मुझे उसका नाम बता, मैं उसकी चची उड़ा दूंगा। अरे मुझे नहीं मालूम वो कौन था। अरे तो किसको मालूम है? भिड़े भिड़े को मालूम होगा। अरे हाँ, एक काम करते हैं, हम सब लोग भिड़े के घर चलते हैं और उसी से पूछते हैं। चलो चलो। माधवी। बाबूजी क्या हुआ? मुझे मिला था, तुम लोगों ने धक्का दे दिया। अरे मैं यहाँ हूँ। बापू जी यहाँ है भिड़े, आइए। एक मिनट, कोई धक्का नहीं मारेगा। धक्का नहीं। क्या हो क्या रहा है भाई? आप सब लोग एक साथ यहाँ पे क्या हुआ? हम सब लोग भी यही पूछ रहे हैं, क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी? कुछ नहीं, सब ठीक है। क्या ठीक है? ये अब्दुल ने बताया कि तेरे घर पे एक गुंडा आया था पैसों की वसूली करने के लिए, और तुझे धमकी भी लेकर गया है। अब पिड़ू, अब मुझे उस गुंडे का नाम बता और जिसने तेरे को धमकी दी, मार मार के उसकी चटनी बना दूंगा। अरे सोड़ी जरा शांति रख भाई। अब भिड़े बोल, क्या बात क्या है? अरे बता। चाचा जी शान, बताता हूँ। दरअसल मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, इसलिए मैंने माधवी के गहने गिरवी रखे थे। क्या माधवी बाबू के गहने गिरवी रख दिए? हाँ, और उसी का इंटरेस्ट वसूल करने के लिए वो गुंडा यहाँ पे आया था। तूने घर की लक्ष्मी के गहने गिरवी रख दिए? अरे तेरी अकल क्या घास चले गई थी? लेकिन आत्माराम, माधवी भाभी के गहने गिरवी रखने की क्या जरूरत पड़ गई? एक मिनट, अरे भाई तू अपने दोस्त के लिए मुझसे 1,00,000 रुपया मांगना आया था, तो दोस्त को देने के लिए तो कहीं माधवी भाभी के गहने गिरवी नहीं रखे ना? अरे भाई, लेकिन दुकान जाते मैंने तुझे फोन तो किया था कि लाख का बंदोबस्त हो गया, भिजवा दो, तो तूने मुझे क्या बोला? नहीं नहीं, बंदोबस्त हो गया। और ये बंदोबस्त किया तूने, गहने गिरवी रख दिए? अहो, असली बात बता दीजिए ना, सच बात छिपाने से अब कोई फायदा नहीं है। सच?
क्या सच बात क्या है भिड़े, क्या छुपा रहा है तू हमसे? अब भाई बोल क्या सच क्या है? ओ पिड़ू, ओ माधवी भाभी कौन सी सच बात की बात कर रही है, ओ बता। हाँ क्या छुपा रहा है तू हमसे बता। मैंने झूठ बोला था, रुपए की जरूरत मेरे दोस्त को नहीं बल्कि मुझे थी। तू झूठ क्यों बोला? दरअसल मैं ईमेल फ्रॉड के चक्कर में फंस गया हूँ। क्या? ईमेल फ्रॉड? हाँ, कुछ दिन पहले मुझे एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि मुझे 1 करोड़ का जैकपॉट लगा है। 1 करोड़? वो मेल पढ़ के मैं पागल हो गया। और फिर अभी उन्होंने और 75,000 रुपए की डिमांड की है। मतलब 1 करोड़ के जैकपॉट की लालच में तूने 1.5 लाख रुपए उनके खाते में भर दिए। हाँ जेठालाल। भीड़े, तू का भीड़ा है क्या काय? भीड़े भीड़े, अगर कल दोपहर को तूने मेरी ईमेल वाली स्टोरी सुन ली होती तो तेरे पैसे बच जाते, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हाँ पोपटला, लेकिन तब मेरे अकल पे 1 करोड़ के लालच के जैकपॉट का पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आंखों के सामने सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे थे। अभी ये 1 करोड़ की बात छोड़ो, और जो 1.5 लाख रुपए की चीटिंग हुई है उसका क्या करना है वो सोचो। पुलिस स्टेज में चलते हैं और वहां जाकर कंप्लेंट लिखाते हैं कि हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है। नहीं 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 अय्यर भाई, पुलिस स्टेशन जाकर कुछ नहीं होगा, हमें मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल में जाना पड़ेगा और वहां जाकर कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी कि हमारे साथ ईमेल फ्रॉड हुआ है। वहां का सीनियर इंस्पेक्टर मुझे जानता है। हाँ तो जिधर भी जाना वहां जाते हैं। चलो चलो। एक मिनट भिड़े, कंप्यूटर का सीपीयू अपने साथ ले लो। क्यों? तुम्हें जो फ्रॉड ईमेल आते थे उसका आईपी एड्रेस तुम्हारे सीपीयू से पता करने में पुलिस को मदद मिलेगी। हाँ बराबर है। ओ पप्पू, ए साइबर कैफे है कितने? सोड़ी, साइबर कैफे नहीं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल डीएन रोड पर है। चलो चलते हैं। हाँ चलो। नहीं नहीं माधवी भाभी, आप सब यहीं रुकिए, वहां भीड़ करने का कोई मतलब नहीं है, हम जाकर आते हैं। चलो चलो। अरे बड़े मास्टर, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे हाथी भाई, सुनना बोलना सब हो चुका है, अब साइबर सेल चलना है। अरे बाप रे, ये कहाँ है? चलिए चलिए, रास्ते में सब बताते। चलो भाई चलो। बापू जी, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। हाँ चलो सोटी। चलो भाई चलो। चलो चलो चलो। नमस्कार पोपटलाल जी। नमस्कार नमस्कार। पटनायक साहब है अंदर? नहीं वो तो अभी तक आए नहीं। सरवनकर साहब? हाँ वो तो आए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। चलिए आइए आइए। उस साइबर कैफे वाले को अपने पास बिठा के रखो और लॉग बुक चेक करो कि 10:15 बजे उस आदमी ने अपना पैन कार्ड और पासपोर्ट की जेरॉक्स दी है, उसे वेरीफाई करो। ओके, मैं आता हूं बाद में। अरे पोपटलाल आओ। हेलो सरवन के साहब। बैठो आओ बेटे बैठो। हवादार पटनायक साहब आए कि नहीं? नहीं अभी नहीं आए साहब। एक काम करो, जैसे वो आएंगे मुझे इन्फॉर्म करो। जी सर। अरे आज ही तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारा आर्टिकल पढ़ रहा था ईमेल फ्रॉड के बारे में, काफी अच्छा लिखा है तुमने। थैंक यू सरवन के साहब। और पोपटलाल आज कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हो? अरे नहीं नहीं सरवनकर साहब, आज तो हम खुद ही ईमेल फ्रॉड की एक कंप्लेन लेकर आपके पास आए हैं।
ओह, तो फिर विक्टिम कौन है? मी, मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े और मेरे साथ ईमेल फ्रॉड में 1.5 लाख की चीटिंग हुई है सर। 1.5 लाख की चीटिंग? तो बताइए ये सब शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल मुझे सर कुछ दिन पहले एक ईमेल आया था जिसमें लिखा था कि मुझे 1 करोड़ का जैकपॉट लगा है। वो मेल यूके से आया था सर। अच्छा तो ये किस्सा है। माफ करना मिस्टर भिड़े, हम लोग अखबारों में मीडिया में इस फ्रॉड की जानकारी पब्लिक को हमेशा देते रहते हैं, फिर भी आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस जाल में कैसे फंस जाते हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने आप पे बहुत शर्मिंदा हूँ। इस 1 करोड़ के जैकपॉट के लालच ने मेरी समझदारी को अंधा बना दिया था। बिना सोचे समझे मैं लालच की बोट पे सवार हो गया। अरे बोट पे सवार तो हो गया, लेकिन बीच समंदर में जाकर पता चला कि अरे ये बोट का तो ड्राइवर ही गायब है। कंट्रोल कंट्रोल। इससे भिड़े, मैं आपकी हिम्मत की दाद भी देता हूँ कि आपने कम से कम पुलिस में कंप्लेंट तो लिखवाई। अरे कुछ लोग तो फ्रॉड का शिकार होने के बाद भी कंप्लेंट नहीं लिखाते शर्म के मारे, और जिसकी वजह से ये फ्रॉड करने वालों की छाती चौड़ी हो जाती है और कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब एक बात तो बताइए, ये ईमेल से फ्रॉड करते कैसे हैं? हाँ। देखिए इस तरह के फ्रॉड तो पूरी वर्ल्ड में होते हैं, सोशल नेटवर्किंग के जरिए आपके क्रेडिट कार्ड से डेटा लेकर आपकी ईमेल, आपके एड्रेस, आपकी फोटो, ये सब चोरी करके ये लोग एक साथ आपको लाखों रुपए का जैकपॉट का मेल भेज देते हैं। हमारी लैंग्वेज में इसे फिशिंग कहते हैं, और कुछ लोग इस फिशिंग के शिकार हो जाते हैं और फ्रॉड करने वालों के कहे मुताबिक वही रकम उनके ही अकाउंट में जमा कराकर फंस जाते हैं। जैसे आप फंस गए मिस्टर भिड़े। इंस्पेक्टर साहब, आत्माराम ने जो रुपए बैंक में जमा करवाए थे वो रुपए निकालने के लिए कोई तो बैंक में आया होगा, तो हम बैंक से उसका पता लगाकर उसको पकड़ सकते हैं ना? अरे ये ईमेल फ्रॉड करने वाले बहुत ही होशियार और शातिर होते हैं। ग्लोबल नेट बैंकिंग के जरिए ये लोग अपने अकाउंट को दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के ऑपरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें ट्रेस करने में मुश्किल होती है। आप एक काम कीजिए, आप वो बैंक डिटेल्स मुझे इस कागज पे लिख दीजिए, ताकि मेरी एक्सपर्ट टीम को आसानी होगी उन्हें ट्रेस करने में। सरवनकर साहब, हम CPU साथ में लेकर आए। सॉरी CPU। हाँ बाबू। इंस्पेक्टर साहब, एरिया CPU। वेरी गुड पोपटला। अब मेरी एक्सपर्ट टेक्निकल टीम आपकी सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगी। ये ईमेल आपको कहाँ से आ रहे थे और ये IP एड्रेस कहाँ का है हमें कल तक पता लग जाएगा। ये लीजिए सर। लाइए। अच्छा मिस्टर भिड़े, आपने बताया था कि कोई मिस्टर विल्सन आपको फोन किया करता था, क्या बता सकते हैं कि उसका आखिरी फोन कब आया था? उसका मुझे कल फोन आया था और उसने मुझे बोला कि जैसे मैं मनी ट्रांसफर के 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ, वो दिल्ली से मुंबई आके मुझे फोन करेगा और जैकपॉट के 1 करोड़ रुपए दे देगा। और हाँ, उसका सुबह ईमेल भी आया था जिसमें लिखा था कि 75,000 रुपए और भरने हैं। ओके, यानी कि 75,000 के लालच में मिस्टर विल्सन तुम्हें दोबारा फोन कर सकता है। एक काम करिए मिस्टर भिड़े, मैं आपका फोन टैप करवा रहा हूँ, जैसे ही मिस्टर विल्सन का फोन आपको आता है किसी दूसरे फोन से आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डोंट वरी मिस्टर भिड़े, ये फ्रॉड करने वाले लोगों को हम जल्द ही पकड़ लेंगे और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, डोंट वरी। कंट्रोल। ओपरल जी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू जी। दोस्तों, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी, इसकी एक खास बात, यही खासियत है हमारी कि हम उत्सव तो साथ मनाते ही हैं, लेकिन जब कोई समस्या में हो तो एक साथ सब उठ खड़े होते हैं। अब देखिए ना, भिड़े की समस्या से निपटने के लिए सारे के सारे भिड़ गए। एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे की समस्याएं समझना, सुख दुख में हाथ बटाना, ये शायद गोकुलधाम का अघोषित संविधान है। वैसे संविधान से मुझे याद आया, हमारे देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब श्री भीमराव अंबेडकर का आज जन्मदिन है, हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं। वैसे समय समय पर संविधान के अंदर संशोधन की आवश्यकता होती है,
ठीक वैसे ही हमारे पुलिस विभाग को भी समय समय पे चोरों को अपराधियों को पकड़ने के लिए नए नए तरीके ढूंढने की आवश्यकता होती है। अब देखिए ना, कंप्यूटर के इस युग में अपराधियों ने नए तरीके ढूंढ लिए कंप्यूटर के द्वारा अपराध करने के लिए। लेकिन आप भी याद रखिए, अगर कोई कंप्यूटर के द्वारा आपको ईमेल के द्वारा आपको धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है, आपके साथ कोई क्राइम करने की कोशिश करता है, तो चिंता मत कीजिए, पुलिस ने बिल्कुल एक नया विभाग साइबर क्राइम विभाग खोल दिया है जो आप ही के लिए है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो बेझिझक वहां जाइए, अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, पुलिस निश्चित तौर पर उन अपराधियों को पकड़ लेगी। अभी यहां गोकुलधाम में ये देखना है कि प्रोफेसर विल्सन, ये जो इंटरनेशनल रैकेट के एक हिस्सा है, ये प्रोफेसर विल्सन हमारे इस जाल में फंसते हैं या नहीं, और साइबर क्राइम की जो हमारी पुलिस है वो इन तक पहुंचती है नहीं, ये सब जानने के लिए देखिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।